दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इसमें कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि ये वैकेंसीज क्या फाइनल हैं, क्या बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इससे आपको इतना तो पता लगेगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई हैं नोटिफिकेशन में, ये आपकी ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाली हैं। अभी मैंने नोटिफिकेशन का जब वीडियो पब्लिश किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं आपको बता दूं कि लिखा था इट विल इंक्रीज लास्ट ईयर PNB आल्सो वाज NA, माय फ्रेंड इज सेलेक्टेड इन IBPS PO 2019 इन PNB। तो आप इतना तो मत घबरा जाना कि यार यहाँ पर NA है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। तो ये लोगों के ही जो है ओपिनियन है, लोगों ने अपने अपने जो पॉइंट्स हैं उनको शेयर किया है। और यहाँ पर एक आंकड़ा और दिया है विवेक ने, इन्होंने लिखा है लास्ट ईयर PNB वाज नॉट रिपोर्टेड वट सेलेक्टेड 627 स्टूडेंट। तो इन्होंने कहा है कि 627 लोगों का PO में सिलेक्शन हुआ है केवल PNB से, ठीक है। और वो जब नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पर नॉट रिपोर्टेड था। यहाँ पर कुछ और भी लोगों ने लिखा है कि अलग अलग पॉइंट से कि बट प्री कट ऑफ विल बी हाई वेरी हाई, मतलब प्री की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और ये भी लिखा था कि यप इट विल हैपन दिस टाइम ऑल्सो बट स्टिल आफ्टर इंक्रीज 4400, ठीक है। तो नहीं हो जाएंगे, मैक्स तो 2500 तक जाएंगे, दैट इज़। तो मतलब इन्होंने अपनी बात लिखी है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखो, इसमें पेज नंबर 18 पर यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड जो है वो लगभग 5 जगह है। आप देखो 3 नंबर में है, 4 नंबर में है, इसके बाद 6 नंबर और 8 नंबर और ये है आपका 11 नंबर, ठीक है। ये आपका लगभग 5 जगह पर नॉट रिपोर्टेड है। अगर हम इसमें कंप्लीट वैकेंसीज मान के चलें, देखो क्या है कि अगर आप देखोगे बैंक ऑफ इंडिया में कितनी है टोटल, टोटल है यहाँ पर 734, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे ये पंजाब एंड सिंध बैंक, तो यहाँ पर टोटल 83 है और यूको बैंक में 350 है। अब दोस्तों 5 ऐसी बैंक है जहाँ पर NR है। अगर मैं ऐसा देख लूँगी कहीं पर हो सकता है कि 700 भी हो जाए, कहीं पर 600 भी हो सकती हैं, तो अगर आप ओवर ऑन एवरेज अगर 400 आप मान के चलो, ठीक है, तो 400 इंटू 5 ये लगभग आपकी 2000 यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, मे बी ऐसा भी हो सकता है अगर आप 500 के हिसाब से देखोगे तो ये 5 बैंकों में लगभग ये 2500 हो जाएंगी। और आपको यहाँ पर कितनी दी है 1167, तो नियर अबाउट ऐसा हम कह सकते हैं कि 4000 का जो आंकड़ा है वो हमारा टच हो भी सकता है, थोड़ा बहुत इससे प्लस माइनस रह सकता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये 1167 दिए हैं, इनसे थोड़ी सी बढ़कर 2000-1500 के आसपास रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पर 3 से 4 के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे ऊपर ही जाएंगे, मतलब 4000 के आसपास में टच करेंगे, ठीक है। तो अभी आप बिंदास इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लो। देखो दो ऑप्शन आपके पास हैं, पहले तो नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, अब हमें पूरा का पूरा फोकस अपना करता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर। दूसरा हमारा है मेंस और प्लस डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, फिर कहीं जाकर हम इंटरव्यू में बैठेंगे, वहाँ पर भी टफ फाइट होगी और फिर हमारा सिलेक्शन होगा। अब अगर हम इन्हीं सारी चीज़ों के सोच में डूब जाएंगे तो फिर हम दोस्तों इन चीज़ों को नहीं कवर कर पाएंगे। अब आप सारी चीज़ों को साइड में रख दो और इतना मान के चलो कि एक वैकेंसी आपके लिए है, आपको औरों से ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी है, बेटर फाइट करनी है, तभी आप इस एग्ज़ाम में जो है आ पाएंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा की जानी चाहिए कि ये जीरो वालों का क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूं कि जीरो वालों का कंफर्म है कि इन्होंने जीरो दे रखी है, तो इनके बढ़ने के आसार तो नहीं है, ओके। इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो PO में वैकेंसी नहीं भर रहा है क्योंकि वो मणिपाल के थ्रू भरता है, ऐसा कुछ लोग कुछ कमेंट कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो इन्होंने इस बार तो फिक्स कर दिया ना, अगर ये NR होती तो ये ऐसा हो जाता। देखो क्लेरिकल में इन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसीज दी थी और IBPS 9 में बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ओके। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या अपडेट आता है। वैसे फाइनली इन्होंने जो है टोटल 00 वैकेंसीज दिखाई हैं इन तीनों बैंकों ने, बाकी लोगों की NR है और ये जरूर बढ़ेंगी, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। और जैसा भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप साइड में रखो सारी चीज़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में दोस्तों डूब जाओ, क्योंकि ये समय बहुत कम है। और हाँ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि टेस्ट जोन का एक फ्री मॉक टेस्ट दोस्तों लाइव है, आप उसको एटलीस्ट एक बार बनाएं। ये जो आपका IBPS PO का एग्ज़ाम है और इसके लिए ये फ्री है कम्प्लीटली, इसके लिए आपको कोई पे आउट नहीं करना। नीचे सिंपली आप टेस्ट जोन पर जाओ और वहाँ पर जाकर आप IBPS PO का प्री का
पूरा टेस्ट बनाओ, मैं पूरा वीडियो फॉर्मेट में आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, कि जो भी क्वांट के क्वेश्चन होंगे प्लस जो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उन दोनों का आपको सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें थी दोस्तों जो आपके लिए ज़रूरी भी थी, आई होप यहाँ से आपने कर लिया होगा। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो वैकेंसीज हैं वो पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी कम हुई हैं, और उसके पीछे क्या रीज़न है वॉट एवर इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एनआर में बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, और जहाँ पर फिक्स जीरो दे दी गई हैं वहाँ पर एज पर द आईबीपीएस वो आपकी फिक्स वैकेंसीज है, नंबर ऑफ फिक्स वैकेंसीज हैं, और वो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम इस आईबीपीएस जो ये वाला प्रोसेस है इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज है ही नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और हाँ, बाकी एक चीज़ आपको और बता दूँ, आईबीपीएस पीओ का जो फॉर्म है बहुत सावधानी पूर्वक भरना। लास्ट टाइम पर अभी आरआरबी में कुछ लोगों ने थंब की जगह सिग्नेचर ऐसा वैसा कर दिया था, तो ऐसी हरकत मत करना क्योंकि पूरे चांसेस दोस्तों होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने के। लेकिन आप अपने फॉर्म को दो बार डबल चेक करके तब आप फाइनल पेमेंट अपना करेंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक क्लॉज को डिस्कस करूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अपना ध्यान रखें और आगे हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं।